अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? ये लोग हम अपना सफ़र की तरफ रवाना हैं रहीम यार खान की तरफ। अभी हम जा रहे हैं रहीम यार खान, दोस्त का ट्रांसपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा काम था, तो अभी फ़िलहाल हम हैं कैफ़े एशिया अहमदपुर बाईपास पे। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके, आपको साथ साथ यहाँ का सफ़र भी दिखाएंगे साउथ पंजाब का, और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएंगे। तो जी, अभी हम पहुंचे हैं अहमदपुर टूर प्लाजा पे, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए हम जा रहे हैं रहीम यार खान। तो हम पहुंचे अभी अहमदपुर टूर प्लाजा पे, और मौसम गर्मी है। बाकी नेक्स्ट भी आपको फर्दर अपडेट्स देते जाएंगे। मेरे वाला कट कर दीजिएगा, दरमियान में वो कट हो जाएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल बना सकते हैं इसकी, पूरा आ जाता है। इसके आप फ्रंट से जाते हैं ना, फ्रंट से जाते हैं आप। तो बस गाइस, अभी हम इकबालाबाद के आसपास हैं, और इकबालाबाद सिटी क्रॉस कर रहे हैं। सराउंडिंग्स में सिटी है, और आगे इसका टूल प्लाजा भी आ जाएगा, थोड़ा सा आगे हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। और जिस गाड़ी पर हम सफ़र कर रहे हैं वो है होंडा सिटी 2022 1.5 एस्पायर, जो अभी आई थी। इस गाड़ी की ड्राइव मुझे बड़ी पसंद आई, यही हमारे साथ भी जा रही है। काफ़ी अच्छी ड्राइव है इस गाड़ी की, और कंफर्ट वाइज और एसी बेहतरीन है गाड़ी का। और बाकी इंशाल्लाह आगे अपडेट्स देते हैं आपको। सर, ये लेफ्ट सड़क जो जा रही है आपकी, ये जाती है रहीम यार खान की तरफ, और अगर स्ट्रेट चले जाएंगे सादकाबाद, और फिर आगे सिंध स्टार्ट हो जाएगा, सिंध और पंजाब का बॉर्डर आ जाता है। ये रहीम यार खान की तरफ जाती है रोड। कुछ पूछा मैंने कुछ? खैर, हमने रहीम यार खान सिटी में तो नहीं जाना, हमने तो बाहर बाहर ही जाना है। तो ये आ चुके हैं हम इकबालाबाद टूल प्लाजा पे, जिसका किसी किस्म की कोई सुध-बुध नहीं है, ना कोई बोर्ड है, ना कोई शेड बना हुआ है, बस ये इतना साउथ पंजाब के टूल प्लाजा जैसे यूजुअल बैकवर्ड सिटीज के, ये टूल प्लाजा है। ये इस टाइम आ चुके हैं हम लोग सादकाबाद माछीकोट। ये इसका ट्रक वगैरह है, और ट्रक की चेकिंग हो रही है सारी। इधर तकरीबन जितनी भी सारी मार्केट है ना, वो ट्रकों की ही है। ये पाकिस्तान का घर है एक ट्रकों का, तो ट्रकों की वर्कशॉप्स वगैरह पार्ट्स वगैरह के हवाले से यहाँ सारे काम होते हैं, 24 व्हीलर ट्रक्स और 22 व्हीलर ट्रकों के। तो ये सूरत हाल है। जी, तो अब हम यहाँ से फ्री हो गए थे सादकाबाद से, और सादकाबाद जा रहे हैं वापसी की तरफ। में था तो भावलपुर नहीं हो पा रहा था, रास्ते में भी के रुकेंगे हम, खाना वगैरह खाएंगे, खाना खा के तो फिर आगे इंशाल्लाह सफर कंटिन्यू करेंगे, और ये भी वापसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुबशर साहब, जी 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 जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? खैरियत से। इस वक्त हूँ इधर रहीमिया खान वाले साइड में ना, तो मैं अबू के नोटिस में दे देता हूँ, तो फिर आपको मैं अपडेट करूँगा वो क्या कहते हैं मुझे, क्योंकि पता नहीं है हिसाब किताब का कि आप तो उनका क्या लेन देन। जी 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 जी, मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ। हाँ जी, तो जी इस टाइम हम अभी रुके हैं खान बिला से आगे अल यासर रेस्टोरेंट पे, और ये काफ़ी फेमस होटल है इस रूट का। आप भी जब अभी कहीं यहाँ से कोई रहे तो अल यासर लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसका जो रोश है, और मटन के इसकी कढ़ाइयाँ हैं, और जो मटन पीसीज हैं, वो बड़े फेमस हैं।
इसकी लोकेशन ये है कि आप ये फतेहपुर कमाल से थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आके आके लेफ्ट पे आएगा, तो यहाँ अल यासिर में जा रहे हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है और क्या ऑर्डर किया जाए, जो चीज़ फेमस है इनकी वो ऑर्डर करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। ये इसका इंटीरियर है, मैंने सोचा किया। तो प्लेटर अब आ चुका है हमारा, और प्लेटर में जो चीज़ें हैं वो देखेंगे जब यहाँ पे सर्व होंगे, और फिर इसको चेक करके बताते हैं कैसा टेस्ट है और क्या हिसाब किताब है। दो पीसेस टिक्के की हैं, दो पीसेस कबाब हैं, दो पीसेस फिश की हैं, स्टार्ट करते हैं हम चीज़ बोटी से, चीज़ बोटी का टेस्ट चेक करते हैं कैसा है। मज़ेदार चीज़ बोटी जो है, बाकी चीज़ें भी ट्राई करते हैं और इंशाल्लाह खाने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। ये कबाब के अंदर आप फिलिंग चेक करें कि कितना सॉफ्ट है और अंदर तक कितनी अच्छी इसकी चीज़ की फिलिंग की हुई और वेजिटेबल्स की, वेरी नाइस एक्सीलेंट फूड। तो अब प्लेटर हम लोगों ने खा लिया था, तो अब आफ्टर ये कढ़ाई आई है और ये है मटन अफवानी कढ़ाई, फिर बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, ऊपर से टॉपिंग जिस तरह इन्होंने की है गार्निशिंग जिंजर की और हरी मिर्चों की, साथ है तंदूर में पराठा और रोटी ज़बरदस्त के साथ। हम इसको भी ट्राई करके बताएंगे आपको कैसा टेस्ट इसका। तो जी बस अब हम अभी घर आ चुके हैं अपने खैर से और काफ़ी थक गए हुए हैं, बहुत बिजी डे था और मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया, साथ साथ आपको भी दिखाया। अब हम आ गए हैं बहावलपुर वापस, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।